हेलो एवरीवन। तो यार आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम लोग प्राइवेट कॉलेज की मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे आपको वीडियो जैसे मिल जाते हैं जिसमें एड चल रहा होता है, एक पूरा कैंपस टूर दिख रहा होता है, तो उसको हम देख के कॉलेज डिसाइड कर लेते हैं, या किसी स्टूडेंट के एक टेस्टिमोनियल चल रहा होता है प्लेस डेट गूगल, प्लेस डेट माइक्रोसॉफ्ट, या 30 LPA, 40 LPA, 50 LPA हाईएस्ट प्लेसमेंट को एक तरह से टारगेट किया जाता है। तो यार एक्चुअल में मार्केटिंग को समझना इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग गलत नहीं है, पहली चीज। दूसरा, ये मार्केटिंग का मीनिंग यार एक तरह का ब्रांड अवेयरनेस से है। अब उसको हमको समझना पड़ेगा। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं बोलूंगा कि आपकी अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखो यार, ऐसा नहीं कि बिट्स प्लानी एड नहीं चलाता है, या मणिपाल एड नहीं चलाता है, या VIT वेलोर नहीं चलाता है, या सारम नहीं चलाता है, या बड़े बड़े ब्रांड्स आप थापर ले लो, एक अपनी अपनी हमको रीच आउट करने के लिए, या एलुमनाइटी जयपुर को ले लो आप, या मतलब बहुत सारे मैं बोलूंगा कि यार गवर्नमेंट बॉडी हैं, या मैं बोलूंगा कि PPP पार्टनरशिप में ऐसी बॉडीज जो कि ऐड अपना रन करते हैं। ऐड रन करने का मीनिंग ये नहीं कि वो अपनी ओवर मार्केटिंग कर रहे हैं यार, वो अपनी थोड़ी सी एक विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कि अपनी रीच बढ़ाने के लिए वो एक तरीका है। हाँ, लेकिन ये चीज गलत है। वो सारी चीजें हम देख के, वीडियो देख के, टेस्टिमोनियल्स देख के हमको कॉलेज नहीं डिसाइड करना चाहिए, ये गलत है। तो फिर सर कैसे करें? तो उसका एक तरीका ये मैंने निकाला हुआ यार कि प्रोफाइलिंग वाइज एक कहीं ना कहीं मुझे तो अपना पता होता ना कि हम किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, हम एक अच्छे कैटेगरी में आते हैं कि एवरेज में आते हैं या बिलो एवरेज आते हैं। एक हमको अपने मन की फीलिंग पता होती है कि यार हमसे जेई में कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो मैंने यार क्या किया हुआ है, अब इस पे एक हम बताएं कि कॉलेज गलत मार्केटिंग कर रहा है टॉल, ये सारी चीजें, तो वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है। मैंने क्या किया हुआ है यार कि देखो, लास्ट 4-5 ईयर से ऑलमोस्ट मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, 3 साल से चैनल रन कर रहा हूँ, हर साल 1000+ स्टूडेंट की अलॉटमेंट्स कराता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया रहता है। मुझे बहुत सारे कॉलेज विजिट कर चुका हूँ, तो मोस्टली एक देखो एक रियल हायरार्की सिस्टम क्या है वो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमको अपने स्टूडेंट के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए हमको कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो यार, ये तो मार्केट है, ये तो सारा चलता ही रहता है। अब आज के टाइम पे आपको बहुत टारगेटिंग करके ऐड चलाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, स्किल्स इतनी डेवलप हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतने अंदर तक जा चुकी है कि आपको हफ्ते भर तक ऐड दिखाया जा सकता है, ऐसा भी है। लेकिन अभी अगर हम यहां पर बात करें यार, मैंने क्या किया है, प्रोफाइल के हिसाब से आपको कॉलेज मैंने बता रखे हैं, आपको उस अकॉर्डिंग आपको अपना चेक करो आप भाई किस प्रोफाइल में आते हो, आपको उस अकॉर्डिंग ये फॉर्म्स अप्लाई करने हैं, उस अकॉर्डिंग आपको इन कॉलेजेस में टारगेट करना है। तो सिंपली सबसे पहले मैं बात करूंगा यार, जो लोग एक्सीलेंट ऑडियंस एकदम है ना, या एकदम अबव मतलब मैं बोलूंगा 10,000 रैंक आने वाली है जेई में, या 20,000 आने वाली है, या इट्स मीन कि हमको यार एक NIIT, NIT या IIIT किसी भी तरह का कुछ भी मिल जाएगा, या एक हमको एक टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट स्टेट लेवल का भी मिल रहा है, वहां पर मुझे CS वाली ब्रांच मिल रही है, तब भी मुझे कोई भी दूसरा प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म अप्लाई करने की नीड नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, अभी प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म्स नहीं निकलने वाले हैं, आगे भी चलेंगे। हाँ, किसके फॉर्म्स निकल जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, उनको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार उसके लिए अगर आपको एकदम टैलेंटेड वाले क्राइटेरिया में आते हो तो वो भी मैंने लिख रखा है, टैलेंटेड स्टूडेंट क्राइटेरिया। दूसरा है अबव एवरेज, है ना, या आप एक्सीलेंट भी उसको कह सकते हो, है ना, तो एक अपने अपनी वर्डिंग होती है। दूसरा यार JEE और IIIT हैदराबाद का फॉर्म है, या आई होप आप सभी ने अप्लाई कर रखा होगा। IIIT दिल्ली यार, इसके लिए आपको जैक दिल्ली का वाले पोर्टल में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो काउंसलिंग फॉर्म प्लस एग्जामिनेशन, मैंने दोनों की बात की हुई है, और उसके बाद में IIIT बैंगलोर के लिए भी अलग से आता है, और एक बिट्स पिलानी यार। तो बिट्स पिलानी के अपना अलग स्टैंडर्ड है। पिलानी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं गोवा हैदराबाद की भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं सेकेंड वाली जो प्रोफाइलिंग है हमारी, मोस्टली जो एवरेज स्टूडेंट की क्राइटेरिया में आते हैं। यार मैं तो देखो एवरेज वाले में ही आता था। अब एवरेज इट्स मीन कि हमको ऊपर की NIT, IIT या IIIT में से नहीं मिल रहा है, या हमको बिट्स में भी नहीं मिल पा रहा है, या अगर हम VIT को भी इनफैक्ट कंसीडर कर ले तो हमको वहां भी कैटेगरी 1 में नहीं मिल पा रहा है। तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शंस है, तो उस केस में आपको कुछ सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस लेकर चलने पड़ेंगे। उसकी भी एक क्राइटेरिया है कि किस किस अकॉर्डिंग आपको, बिकॉज एवरेज एक बहुत बड़ा डोमेन होता है यार, है ना। एवरेज वाले अगर पार्ट पे थोड़ा सा आए तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 10% बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे एकदम जो टॉपर वाले होंगे, है ना,
फिर उसके बाद में 10% ये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो एवरेज का क्राइटेरिया होता है ना, एवरेज आपको मिल जाएंगे 40-50% बच्चे, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग जनता होती है वो पुअर वाली क्वालिटी में चली आती है ना। अब एवरेज में भी कुछ यहाँ भी आ रहे होते हैं ना एकदम नीचे से, तो वो भी पुअर के ही तरह ही ट्रीटिंग होती है या उनको भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा होता है। तो उनके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ जो एवरेज वाले क्राइटेरिया में है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने एक पूरी लिस्टिंग बना रखी है आपको कौन कौन से फॉर्म्स अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आप अपने स्टेट में देखो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए टॉप लेवल का, या अगर प्राइवेट भी मिल रहा है तो आपको स्टेट में स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मैंने ये दो पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद में अपना जेई स्कोर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज अगर आप प्राइवेट में जाना चाह रहे हो और आपका बजट नहीं है तब भी आप फंस जाओगे। तो जेई के स्कोर में अगर आपको यूटिलाइज करना है तो ये कुछ रेनाउंड कॉलेज हैं एकदम टॉप वाले, उनके लिए आप अप्रोच आउट कर सकते हो। तो इसमें भी ऑलमोस्ट कुछ के एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, कुछ के यार जेई के रिजल्ट आने के पहले क्लोज हो जाते हैं, तो जैसे ही जेई आप दो तो आप ध्यान रखना उस टाइम पे बहुत ज्यादा फॉर्म के क्लोजर रहते हैं। तो ये यार जो कॉलेज की आपको लिस्टिंग दिख रही है इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने टॉप 10 की बात की हुई है। हाँ, उसके बाद में दो कॉलेज मैंने और लिख रखे हैं, वो यार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से रेनाउंड है, एक महिंद्रा इकोल, यार इसके बारे में आपने नहीं सुन रखा होगा, दूसरा बैनेट। अब बाकी डिटेल्ड में वीडियो आगे फिर कभी आपको मिलेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की यार की जो एवरेज के क्राइटेरिया में भी नहीं आते हैं, वो एकदम पुअर वाले होते हैं या एकदम हम 10+2 में होते हैं, उस टाइम हमको समझ में नहीं आ रहा होता कि अब हमको करना क्या है, या हमको पता भी नहीं चलता, हमारे फॉर्म्स भी निकल जाते हैं, तो उस केस में या तो हम ड्रॉप कर लेते हैं या हम उसी ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि भाई हम ड्रॉप करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप ड्रॉप करके एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके आप अपने आपको अच्छे से स्कोर कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की एक किस्म में हारी हुई जनता भी होती है, जिसको लगता है कि मेरे से कुछ होगा ही नहीं, हम जेई वगैरह अपीयर होके क्या करेंगे, तो ये उनके लिए है। उनके लिए भी मैंने कुछ एग्जाम्स के नेम कॉलेज मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सारे लोग अप्लाई करें। दूसरा, जिनको भाई जेई वगैरह से फियर लग रहा, हाँ एक अगर आपका कोई अपने कॉलेज प्राइवेट डिसाइड कर रखा तो उस केस में आप ले सकते हो। हाँ, अब यार डावर्ट ऐसे नहीं होना है, सबसे पहली चीज जो भी मैं बता रहा हूँ, किसी में एजुकेशन लोन लेके मत पढ़ना। हाँ, अब इधर गवर्नमेंट वगैरह मिल जा रहा हो तो बात अलग है, प्राइवेट में मतलब हाईली रिस्क में मत जाना। कॉलेज की मैं आपको लिस्टिंग बता दूं किस अकॉर्डिंग, अगर आप बिलो एवरेज वाली प्रोफाइलिंग में आते हो। हाँ यार, मैंने गरीब स्टूडेंट क्यों लिख रखा है इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि एक तो हमारे पास में बजट नहीं है, दूसरा चीज हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तीसरा चीज हमारे पास में प्रोफाइल भी नहीं है जो हम ला सकते थे, हम अच्छे से पढ़ सकते थे लेकिन हमने पढ़ा भी नहीं, हमने अपने साथ गद्दारी कर दी। तो उस केस में मैं उनको यही बोलूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि अगर आपका बजट नहीं है तो आप अपने आपको उसको मत दोष दो यार कि मेरा बजट नहीं है इसलिए मैं VIT नहीं जा पाया, सारम नहीं जा पाया, मणिपाल नहीं जा पाया, थापड़ नहीं जा पाया, 1190 जयपुर नहीं जा पाया। तो आप क्या करो ना, आप डिसाइड करो और अपनी जर्नी स्टार्ट करो, आप आगे के लिए प्लान करो, आप 4 साल में क्या क्या कर सकते हो, है ना। उसमें भी आपके पास ऑप्शंस है अभी भी। पहला यार LPU अप्लाई कर सकते हो, है ना, चितकारा अप्लाई कर सकते हो, चंडीगढ़ अप्लाई कर सकते हो, UPS अप्लाई कर सकते हो, अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग। कुछ इसमें ऐसे होंगे जिनका बजट होगा, कुछ इसमें ऐसे होंगे जिनका बजट नहीं होगा, जिनका बजट होता है उनकी तो प्रॉब्लम काफी हद तक रिजॉल्व हो जाती है, जिनका बजट नहीं होता है उनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद में AKTU की आप टॉप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, दूसरा IPU की आप टॉप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, या अपने अपने स्टेट के आप टॉप रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स के लिए आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू, आप काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद महाराष्ट्र में कुछ लो फीस वाले कॉलेज आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। हाँ, उसके बाद में उत्तरांचल और मारवाड़ी का मैंने इसलिए लिख रखा है यार, बिहार क्रेडिट कार्ड वालों के लिए है, ऑलमोस्ट ये सारे NAC A+ हैं और NBA भी रहता है, तो ये सारे भी बिहार क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते ही करते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लास्ट में लिख रखा है, हाईली रिस्क ऑप्शन। अब यार सबसे ज्यादा रिस्क ऑप्शन ये होता है ना, ये भी अच्छा है, आप इसको भी चाहो तो इसको भी ले सकते हो, इसमें भी लोग बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन यार मैं बोलूंगा कि एक पूरा ओवरऑल अगर रेशियो की बात करें वो रेशियो थोड़ा सा कम है, मतलब बहुत ही यूनिक अगर कोई ऐसा होगा तो कर पाएगा। आप क्या करो ना, आपका अगर बजट नहीं है तो एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट करो, और उसमें आप अपना या तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करना शुरू करो, दूसरा आपको थोड़ा सा अपने लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि हमको प्लेसमेंट भी उठानी है, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी, जो भी करना है वो आपको सेल्फ ही करना है, कॉलेज तो आपको जस्ट एक डिग्री देगा। हाँ, लेकिन यहां पर आपको एक्सपोजर या कुछ कंपनीज भी नहीं मिल रही होंगी, यहां पर एक्सपोजर और कंपनीज मिल जाती है, बिकॉज आप यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो।
तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको इस चैनल पर ना यार एकदम बेस्ट एडवाइस मिलेगी, है ना, बिकॉज एक बहुत सारे आपने रिव्यू चैनल्स कहीं ना कहीं देख रखे होंगे। अब स्टूडेंट मोस्टली कह रहे हैं, सारे स्टूडेंट हैं जस्ट कॉलेज में गए, देन उन्होंने एक चैनल फॉर्म किया और देन वो कॉलेज रिव्यू का चैनल चलने लगता है। तो देखो उनको क्या एक जेन्युइनिटी पता होगी किसी कॉलेज के बारे में, वो क्या करते हैं, वो भी जाकर गूगल पे सर्च आउट मारा और देन उस पर एक रिव्यू बना दिया और देन वहाँ से आप कंटेंट देखे जा रहे होते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आप एकदम परफेक्ट चैनल पे, एकदम सही चैनल पे, आपको यहाँ पर कभी भी मिसगाइड या गलत डायरेक्शन पे आपको एडवाइस नहीं दी जाती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।